बीते दिन शाहरुख खान को लेकर एक ऐसी खबर आई थी जिसने उनके चाहने वालों का दिमाग हिलाकर रख दिया था। दरअसल कहा जा रहा था कि अपनी आगामी एक्शन फिल्म के शूटिंग करते समय अभिनेता की नाक पर चोट लगी थी और इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी नाक से खून भी बहने लगा था। साथ ही नाक पर चोट लगने के कारण उनकी सर्जरी भी करनी पड़ी थी। लेकिन किंग खान को आज सुबह सुबह जब मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इस दौरान उनकी नाक पर या कहीं पर भी किसी भी तरह की चोट का नामोनिशान नहीं दिखा, जिसके बाद अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल लॉस एंजल्स में शाहरुख खान के साथ हुए हादसे की खबर के बाद किंग खान के फैंस अभिनेता के हेल्थ के लिए चिंतित हो गए थे, लेकिन सबके लिए खुशी की खबर है। दरअसल अभिनेता को बुधवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया और इस दौरान वह पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। वहीं इससे पहले खबर थी कि शाहरुख खान की नाक पर चोट लगने के बाद उन्हें मामूली चोट आई है और वह मुंबई लौट चुके हैं, लेकिन आज शाहरुख खान के मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट होने के बाद यह खबर झूठी साबित होती दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि शाहरुख खान का मुंबई एयरपोर्ट से निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सुबह लगभग 4:30 बजे पेपराजी अकाउंट ने शाहरुख खान और उनकी टीम की मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वीडियो शेयर की, जिसमें अभिनेता नीली स्वेटशर्ट और काली टोपी में एकदम फिट लग रहे थे और उनकी नाक पर कोई पट्टी नहीं थी, जैसा कि बीते दिन आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। इतना ही नहीं, शाहरुख खान के साथ उनकी पत्नी गौरी खान और छोटे बेटे अबराम खान को भी स्पॉट किया गया। वहीं अब इस वीडियो को देखने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली और वे लोग लगातार पोस्ट पर कमेंट कर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां किंग खान के एक फैन ने लिखा कि भगवान का शुक्र है कि वह अब ठीक है, मैं अच्छी नींद ले सकता हूं। तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा कि भगवान का शुक्र है कि वह ठीक और स्वस्थ है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि एलए में दुर्घटना का क्या हुआ, क्योंकि किसी ने कहा था कि उनकी नाक पर चोट लग गई है और उसकी सर्जरी हुई है। यदि उनकी सर्जरी हुई है तो नाक पर पट्टी कहाँ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत से यूजर ऐसे ही ढेरों सारे कमेंट्स करके शाहरुख खान को सही सलामत देखकर अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वही जानकारी के लिए आपको बता दे कि बीते दिन की ब्रेकिंग न्यूज यही थी कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान घायल हो गए हैं और सर्जरी हुई है और इसकी वजह से अभिनेता ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे थे। हालांकि अभिनेता की टीम की तरफ से इस तरह की किसी भी घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि उन्हें नाक में मामूली चोट लगी थी और अब वह मुंबई में अपने घर वापस आ गए हैं। हालांकि बाद में अभिनेता के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया था कि यह झूठी खबर है। वहीं हम उनकी वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख की दो फिल्में जवान और डंकी इसी साल रिलीज होने वाली है, जहां जवान को अब सितंबर में रिलीज किया जाएगा तो वहीं डंकी दिसंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फिल्में अब क्या कमाल दिखाती है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।